फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक गैकर। आज आपको बताने वाला हूं मैं एपिलेप्सी फिट के बारे में। देखो, हमारे महाराष्ट्र में विदर्भ में बैकवर्ड एरियाज है, जहां खेड़े पाड़े में डॉक्टर पहुंचते नहीं है, देहातों में उनको मालूम भी नहीं कि इसका इलाज है। अभी मैं आपको आज जो लड़की बताने वाला हूं, उनको मालूम ही नहीं था कि इसका इलाज है। कहीं से पता लग गया तो आज मेरे पास में आए। इसको फिट है, फिट्स एपिलेप्सी, और यह कंप्लीटली क्योरेबल है, मतलब पूरी तरह ठीक हो सकता है ये बीमारी। यदि वो प्राइमरी एपिलेप्सी है तो कि उसको दवाई देते हैं तो पूरी ठीक हो जाएगी। उसमें होता क्या है कि एकदम सडनली पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, एकदम अचानक पेशेंट का होश निकल जाएगा। होश निकल के बाद में वो कहीं भी गिरेगा, आंखें ऊपर करेगा, आंखें ऊपर करके ऐसे झटके मारेगा हाथ को, ऐसा 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 झटके मारेगा। उसमें क्या होता है कि जबान भी चुभ जाती है, मतलब दांत के नीचे, दांत के अंदर आ जाएंगे, जबान कट सकती है, जीभ जो है ना वो कट सकती है, मुँह में झाग आ जाता है, और आदमी कहीं भी गिर गया तो उसको मार लग जाता है। तो ये जो अटैक है स्पेशली एपिलेप्सी का, इसमें बेहोश होने के बाद में फिर वो झटके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, और ख़त्म होने के बाद धीरे 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 वो हिलना बंद हो जाता है, और एक 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे के बाद में वो व्यक्ति होश पे आ जाता है। तो ऐसे झटके बीच बीच में आते रहे, 15 दिन में, एक महीने में, दो महीने में, कंप्लीटली क्यूरेबल है। ये जो पेशेंट आते हैं उनको क्या करते हैं, उनका हम सीटी स्कैन कर लेते हैं एक बार कि भाई ब्रेन में कुछ खराबी है क्या, ब्रेन में कोई ट्यूमर की वजह से ऐसा हो रहा है क्या, या ब्रेन में और कोई मतलब गठान जैसी है, या और कोई बीमारी ब्रेन में की जिसकी वजह से एपिलेप्सी आई है, और उनका इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम करते हैं, ईईजी, वहाँ से भी मालूम पड़ता पड़ सकता है कि इसका कॉज क्या है, कारण क्या है, किसकी वजह से एपिलेप्सी आए। बाकी सब रिपोर्ट जो नॉर्मल है तो उनको दवाई देते हैं। तो आज दवाइयाँ इतनी सारी उपलब्ध है एपिलेप्सी के लिए कि वो दवाई दे के हम कम्प्लीटली उनका इलाज कर सकते हैं, कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। ये देखिए पेशेंट, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। हाँ, क्या होता है उसमें बताइए। दांत के लिए बैठती है और मतलब दांत ऐसे दबा लेते और आके यहाँ से पेशान आ जाते, दांत ऐसे दबा लेते, फेस आता, दांत दबा लेते और क्या करते, फिर हाथ मुट्ठी ऐसे बांध लेते और फिर ऐसे झटके मारते। अच्छा, फिर क्या होता बाद में? कुछ नहीं, फिर उसके बाद धीरे धीरे देखते शांत हो जाता, धीरे धीरे शांत हो जाता। ऐसा फिर होश में कब आती है? फिर थोड़े टाइम तक हो जाता, आधा घंटा, आधा घंटा लगभग, आधे घंटे के बाद में हो जाए, बाद में फिर अच्छा हो जाता, फिर अच्छा हो जाता। ऐसा कितने बार होता है महीने में? महीने में नहीं, साल में हो गया। साल में कितने बार? तीन साल हो गया है। हाँ, तो एक महीने में कितने बार आता है? तीन बार हुआ, तीन बार हुआ एक साल में। एक साल में, एक साल में एक बार, एक साल में एक बार ऐसा होता है। अभी आखिरी का कब हुआ था? इसके पहले, इसके पहले अभी चार पाँच महीना हुआ, पाँच महीना हो गया। फिर पाँच महीना हुआ तो अभी आपने अभी क्यों लाया पाँच महीने बाद में? तो क्या है, डॉक्टर साहब को मालूम नहीं था। हाँ, तो मैंने बोला यार वहाँ गांजा का ऐसा इलाज होता है, तो ये तीनों फिर मैंने यहाँ लाए। अच्छा, आपको मालूम ही नहीं था कि इसका इलाज है करके? नहीं। हाँ, अभी आपको मालूम पड़ा तो आपने लाया यहाँ। हाँ ठीक है, अच्छा है। तो अभी तक आपने दवा लिया ही नहीं इसके लिए? नहीं। तो ये अभी अपने जो ईईजी निकाला है ना, ये जो हमने इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम निकाला है ना, ये ईईजी है ना, तो इसमें इसमें दिखाई देता है इसके दिमाग की बीमारी है, हृदय की बीमारी है ना, और थोड़ा इसमें खराबी दिखाई देती है। हमने जो भेजे का निकाला ना, ये वो वायर लगा के अभी निकाला उसमें, ठीक है ना, तो भी हम उसको दवा देंगे। तो ये दवा आपको रोज लेने की है, रोज रोज। हाँ, रोज दो टाइम लेने की है। दो दवा आपको लिख के देता हूँ, दो टाइम लेने की है, और ऐसे तीन साल तक लेनी पड़ती है। तीन साल? हाँ, तीन साल तक लेनी पड़ेगी। तीन साल के बाद में फिर बाद में धीरे धीरे गोली बंद करेंगे और बाद में अच्छे हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। वो झटका मारना पहले तो हमें ही नहीं। हाँ, बहुत परेशान भाई मर गया है, वो भाई गया ना, उसके आदमी मर गए इस साल। अच्छा। हाँ, उसको मैंने बहुत दिन से बताया था। मतलब तुम्हारे गांव के भाई मर गए वो झटके में? हाँ, झटके वाले झटके में मर गए। हाँ, मर गए, उसके आदमी मर गए। अच्छा ठीक है, तो भाई को मैंने से बताया था। अभी ये पेशेंट को मैंने दवाई लिख दिया, और दवाई लेके मतलब हम बोलते कि तीन साल तक दवाई लो, और यदि तीन साल तक बिना फिट का पीरियड जाता है और तीन साल तक कोई भी फिट नहीं आती है, तो धीरे 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 हम पेशेंट की दवाई बंद कर सकते हैं।
तो ये वीडियो आप ज्यादा लोगों को फैलाओ, काफी सारे लोगों को फिट है और देहातों में तो मालूम ही नहीं है लोगों को। आजकल क्या है कि इंटरनेट की वजह से सबको मालूम हो सकता है भाई कि नहीं ये बीमारी ठीक हो सकती है और वो इलाज उनका कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी होता है, वो भी आप नीचे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने अपने लोगों का इलाज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।